हेलो डियर फ्रेंड्स, हैनमेनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं इस सेशन पर, इस लेवल पर वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। तो आइए एक बहुत सिंपल सा केस डिस्कस करते हैं। ये केस है एक 45 ईयर मेल का, जो बर्निंग से परेशान था। उसे रेक्टम में और यूरिथ्रा में बर्निंग थी, और इसने काफ़ी मेडिसिंस, एलोपैथिक, एंटीबायोटिक सब कुछ ले रखा था, बट उससे कोई रिलीफ नहीं था। तो ये पेशेंट जब मेरे पास आया तो इसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे रेक्टम में बर्निंग होती है और जब मैं यूरिन पास आउट करता हूँ तब बर्निंग होती है, बट ये बर्निंग तब बढ़ जाती है जब 3-4 दिन मैं सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता, तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही मैं सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेता हूँ, इंटरकोर्स कर लेता हूँ, तो ये ठीक हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ मर्कसोल, जहाँ पर बर्निंग इन द रेक्टम एंड इन यूरिथ्रा एमिलियोरेटेड बाय क्वेश्चन, एमिलियोरेशन बाय क्वेश्चन। तो ये पाठक रिपर्टरी में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और सिर्फ इसकी एक रेमेडी है, दैट वाज इज मर्कसोल। और मर्कसोल 200 पोटेंसी की एक सिंगल खुराक देने के बाद उसको इस तरह की बर्निंग दोबारा नहीं हुई। सो ये जो पिकुलैरिटीज़ है कि बर्निंग एमिलियोरेटेड, बर्निंग इन द रेक्टम एंड बर्निंग इन द यूरिथ्रा एमिलियोरेटेड बाय क्वेश्चन, और क्वेश्चन का रेक्टम की बर्निंग के साथ कोई संबंध नहीं, सीधा संबंध नहीं। इसलिए इसको ये एक कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है और कॉन्कॉमिटेंट मोडेलिटीज को बोलेंगे, जिसने एज जैसे ही वो क्वेश्चन करता है तो उसे रिलीफ मिलता है। सो इस तरह की और वीडियो के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आपके कोई सवाल हैं वो भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके आंसर दूँ। Thank you so much.